दूसरा सवाल, हाउ मच रिटर्न्स कैन आई एक्सपेक्ट। सवाल होता है कि हम कितने रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, देखो अगर आप किसी दोस्त की कंपनी में पैसा लगा रहे हो, ठीक है, अगर अगले साल उसे 10% का प्रॉफिट हुआ तो फिर आपको भी 10% के प्रॉफिट में 50% मिल जाएगा, अगर आपने 50% पैसा लगा रखा है तो। सिंपल सी बात है। और उसे लॉस हुआ तो आपको भी लॉस होगा। तो प्रॉफिट और लॉस डिपेंड करता है बेसिकली कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं ईयर बाय ईयर, ठीक है। कई लोगों को भयंकर, अगर आप देखोगे 2020 में कुछ ऐसे शेयर थे जो 2021 में आते आते डबल रेट के हो गए, तो उनको बहुत प्रॉफिट हो गया। तो इट्स ऑल अबाउट, अपना कुछ फिक्स कह नहीं सकते किसमें कितना रिटर्न आएगा। कईयों के पैसे डबल हो जाते हैं, कईयों को 30% रिटर्न, किसी को 40% रिटर्न, किसी को माइनस में रिटर्न, लॉस में भी चला जाता है। होल्ड करके रखो तो 5 साल, जितना लंबे टाइम तक आप उसको होल्ड करके रखोगे ना उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। तो एक प्रॉफिट और लॉस की कहानी ना फिक्स नहीं होती, रिटर्न कितना मिल जाएगा। लेकिन हाँ, एक मैं आपको सिंपल सी चीज बताता हूँ, कोई फिक्स नहीं है इसका, लेकिन आप एक काम कर सकते हो जो आपको करना चाहिए, ठीक है। रिटर्न कंप्लीटली डिपेंड करता है कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, लेकिन एक चीज आप कर सकते हो, वो क्या, बहुत आप कभी भी आपके पास अगर पैसा है तो किसी एक कंपनी में मत लगाओ, आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो। हमेशा याद रखो, एक से ज्यादा कंपनीज में पैसा लगाओ, 5 कंपनीज 6 कंपनीज 10 कंपनीज में आपका पैसा लगा होना चाहिए। होगा क्या, मान लो आपने ना ये कितनी कंपनीज है, 1 2 3 4 5 कंपनी में अपना पैसा लगा रखा, 10,000 रुपए थे, आपने हर एक कंपनी में कितने लगा दिए, 2,000 रुपए आपने 2000 इस कंपनी में लगाए, 2000 इस कंपनी में लगाए, 2000 इस कंपनी में, 2000 इस कंपनी में, 2000 इस कंपनी में। हुआ क्या, आपका जो रिस्क फैक्टर थोड़ा कम हो गया। क्यों, मान लो इस कंपनी ने लॉस दिया बट इस कंपनी ने तो प्रॉफिट दिया, इसने भी प्रॉफिट दिया, इसने भी प्रॉफिट दिया, इसने लॉस दिया, ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो में आपको प्रॉफिट दिखेगा, क्योंकि 3 कंपनी आपकी प्रॉफिट में थी, 2 कंपनियां लॉस में थी। लेकिन इन दैट केस जरूरी नहीं है कि आप बहुत डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो रखोगे तो आपको फायदा ही होगा, बहुत सारे पोर्टफोलियो में नुकसान भी होता है। क्यों, क्योंकि हम रिसर्च करके शेयर खरीदते ही नहीं है, ये प्रॉब्लम है। तो अगर आप शेयर करके अच्छे फंडामेंटल शेयर्स खरीदते हो, जिनकी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, अच्छे शेयर्स हैं, तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा, 100% प्रॉफिट होगा। मैं अपने पोर्टफोलियो की बात बता देता हूँ, मेरा पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई है, जिसमें मुश्किल से 20% शेयर्स में मुझे लॉस हो रहा है, 80% शेयर्स मेरे प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो प्रॉफिट में, मुझे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ येस बैंक में, ठीक है, मैं बता ही देता हूँ। तो पर फिर भी मैं उसको होल्ड करके रखा हूँ, हो सकता है आगे येस बैंक की सिचुएशन अच्छी हो जाए, पर मैं तब तक नहीं बेचूंगा जब तक सिचुएशन अच्छी नहीं हो जाती। तो ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछो कि ऑन एन एक्सपेक्टेड आप कितना रिटर्न गेन कर सकते हो, 5 से 10 साल में आप 10 से 20% एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपका इतना पैसा तो बढ़ ही जाएगा, और ये रिटर्न्स आपकी एफडी के हिसाब से तो काफी अच्छे, ये पर एनम रिटर्न है, ठीक है। अगर आप 5 से 10 साल होल्ड करके रखते हो तो आपको हर साल 10 से 20% का रिटर्न मिलेगा, तो आपको अच्छा खासा पैसा, मतलब समझो अगर आपको 10 साल का रिटर्न मिला, हर साल 10 साल का रिटर्न हुआ, तो 10 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा, इतना तो एफडी में नहीं मिलता। और हर साल 20% का रिटर्न मिला तो 5 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। आ रहा है समझ में, ये सिंपल सी कैलकुलेशन है। और अगर आप एफडी में जाओगे, आज एफडी भी बुक कराते हो ना, आपको पता होना चाहिए कि एफडी की रिटर्न मुश्किल से 4-5% है। इसका मतलब क्या हुआ पता है, उसमें भी टैक्स लगता है। तो अगर आप एफडी में अपना पैसा रखते हो ना 1,000 रुपये, और ये 5% की रिटर्न है, जिसमें अगर आप टैक्स फिक्स काटते हो तो 3% की रिटर्न रह जाती है। इस हिसाब से अगर आप चेक करोगे तो 40 साल में पैसा डबल होगा, इतना कम रिटर्न। तो एफडी और आरडी में कोई फायदा नहीं है, बेटर है कि आप इनको इन्वेस्ट कर दो म्यूचुअल फंड में, और बेटर है कि मैं तो कहूंगा अच्छी कंपनी के शेयर ही खरीद लो, वो ज्यादा अच्छा है। तो आप आरडी एफडी में कोई रिटर्न नहीं है, 5 से 8% का रिटर्न रहता है, लेकिन और गोल्ड और प्रॉपर्टी में कोई ज्यादा रिटर्न नहीं है, ऊपर से एक्सपेंसिव भी बहुत है, बेटर है कि आप किसी का शेयर खरीद